इस तरह के कंपटीशन होते रहना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन काम जो बच्चों ने किया है आर्ट के हवाले से और इससे तख्लीकी सलाहियतों को उभारने का बेहतरीन मौका है। इस तरह के कंपटीशन होते रहना चाहिए और स्कूलों के माबेन भी ऐसे मुकाबले होने चाहिए जिससे तख्लीकी सलाहियतों को निखारा जा सके। मेरा नाम नायाब अहमद है। और मेरा नाम हदीका बतूल है। सबसे पहले हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे टैलेंट को उभारने के लिए ये सब कुछ किया है। हमारे जीबी को सबसे ज़्यादा पीछे धकेला जाता है क्योंकि इनके अंदर टैलेंट नहीं होता है। इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है और हम स्कूल ऑफ आर्ट्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे टैलेंट को उभारने के लिए इस तरह का एक प्रोग्राम रखा और ये हर साल होना चाहिए। इससे हर बच्चे के अंदर का टैलेंट उभरता है। जी बिल्कुल, हम स्कूल ऑफ आर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करें, उनको पॉलिश करें। खुसूसन सर अब्दुल्ला और सर बाबर के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने जीबीवान को, मतलब पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है इस बेस पे कि उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होती। बिल्कुल ऐसा नहीं है, नॉर्दर्न एरिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होते हैं। मुझे आज बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि उन बच्चों का मैं काम देख रहा हूँ, बच्चों का काम देख रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने यानी फ्री हैंड जो स्केच किया है, जो इमेजिनेशन में जो इन्होंने काम किया है, ये बहुत ज़्यादा एक बहुत हैरत वाली काम है कि जो इन्होंने फ्री हैंड जो इन्होंने काम किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये किसी भी जगह पे जाके, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस्लामाबाद, लाहौर और बड़े बड़े हमारे मुल्क के शहरों में जाके ये लोग कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और इसमें कोई भी शक नहीं है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मेरा नाम मुहद्दिसा फातिमा है। और मेरा नाम मवद्दत है। और मेरा नाम मुहद्दिसा जहरा। तो हम यहाँ पे हम आर्ट कंपटीशन के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छी यहाँ पे जगह है, बहुत अच्छा इनका मतलब जगह भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प भी कर रहे लोग, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पे थीम बना रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में थीम बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये लोग बहुत हेल्प करते हैं और बस जो मतलब अच्छा है इनका मतलब हॉल प्रेस क्लब इनका बहुत बड़ा आर्ट कंपटीशन जो कि स्कूल ऑफ आर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है सर, बल्तिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। माई नेम इज़ नरगिस बतूल। आई रीड इन फातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज करदू। हमें ये आर्ट कंपटीशन एक बहुत अच्छा मौका देते हैं और हमें अपने अंदर की जो सलाहियत है उसको उजागर करने का मौका मिलते हैं। और आप सब से मेरी यही अपील है कि आप सब इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लें और अपने अंदर की जो सलाहियत है उसको उजागर करें। माई नेम इस पर मैं उस स्कूल से आई हूँ और ये आर्ट कंपटीशन अच्छा है क्योंकि इसमें से इस आर्ट कंपटीशन से हमें अपना टैलेंट लोगों को दिखाने का मौका मिल रहा है। इसकी वजह से हमारा टैलेंट एक दूसरे तक पहुँच रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आर्ट्स कितना ज़्यादा, आर्ट्स के स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा और वो क्या क्या कर सकते हैं। ये कंपटीशन अच्छा है, इस कंपटीशन की वजह से जो जिनके आर्ट अच्छे हैं वो अपने आर्ट को आगे ले जा सकते हैं। आज बल्तिस्तान प्रेस क्लब के बिल्डिंग में हमारे तमाम बच्चे जमा होकर अपने अपने फन और मसवूरी का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं। तो इनसे ऐसा बल्तिस्तान की जो बहुत कदीम तहजीब और तमदन से लेकर हाल के तमाम सूरत हाल और आइंदा आने वाले मुस्तबिल के बारे में भी ये बच्चों ने यहाँ के अहवाल को कागज़ों में तस्वीर की शक्ल में उन्होंने उतारे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो ये आइंदा आने वाले मुस्तबिल में बहुत ही बड़ी एक यूनिवर्सिटी की एक नौयत सुना रहे हैं। मेरा नाम इस्मत ज़ारा है और मैं अलहादी स्कूल में पढ़ती हूँ और आर्ट्स बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग भी आर्ट्स करेंगे आगे जाके डूब नहीं पाएंगे। अगर आप लोग इंजीनियर करेंगे तो भी इसी का आपको फ़ायदा होगा। आर्ट कोई आम चीज़ नहीं, आर्ट बड़े होकर आपके बहुत ही काम आएगी। मैं सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये करना चाहता हूँ, पहले तो हम यहाँ पर यानी गिने चुने दो चार आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह हमने बहुत ज़्यादा
कोशिश करने के बाद अभी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे तलबा और तलबात ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। और इंशाल्लाह यहाँ से भी बहुत सारे अभी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी उन्होंने वहाँ पे भी इनका एडमिशन हो गया है, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में भी हो गया है। और बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ से बच्चे और बच्चियों ने बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इंशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जिसकी वजह से इस्तेफादा हासिल कर सकें और इन बच्चों को मज़ीद और कंपटीशन हासिल करने का इनको मौका फराहम हो सके।